इतना तब भी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया आज तक, मतलब पापा को घर में नहीं बोलते, घर में आके बोलते थे कि तुम्हारा लड़का डांस करता है रोड में, ये करता है, बेइज्जती करते थे पापा को, तब भी बोला नहीं। पापा ने बोला कर तू कर, मैं सुन लूंगा उनकी, बट उसके बाद जब हुआ ना ये चीज तू कर वो उनका सीना छोड़ो, अब बोलो बोलते थे पापा, अब बोलो, उस टाइम जो बोलते थे अब तुम आ रहे हो हमें पता था, अब बोलते हमें पता था तुम्हारा लड़का कर लेगा, मतलब ऐसा है। तब भी मेरे पापा ने मेरे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक आशीर्वाद लेता हूँ बस यार, कुछ भी करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग भाई सीधे श्याम गार्डन बैंकेट हॉल से कर रहे हैं, क्योंकि आज है भाई एक भाई का मीटअप, वो है रावत वीएल कॉमेडियन भाई ब्रो है, वो है पिथौरागढ़ से। तो भाई इतना भाई साहब वो बाजार में मार्केट में जाके पब्लिक के बीच में ना भाई डांस इतना प्यारा करते हैं कि लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि भाई वो कैसे करते होंगे। सो आज उनका मीटअप है हमारी हल्द्वानी में उत्थान मंच में, तो वहाँ वो आ रहे हैं भाई, यहाँ का डॉग इतना खतरनाक से रहा है, कैसा है। तो अब उनका इंतज़ार है हमें कि वो कब आएंगे, और 3 बजे का उनका मीटअप है, तो हम तैयारी करते हैं और एक राउंड पहले देख के आते हैं कि भाई वहाँ कैसा है, मतलब तैयारी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फटाफट पहले निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई अभी घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ भाई जहाँ रावत वीएल पंकज भाई का मीटअप है, तो वहाँ पे देख के आएंगे कि वहाँ पे अभी कितनी मतलब क्या क्या चीज़ हो चुका है। ओ भाई, तो वहाँ पे एक राउंड लेकर आना पड़ेगा, देख के आऊँगा पहले, उसके बाद टाइम से भाई शाम को 3 बजे है, मतलब 4-5 बजे से शो स्टार्ट हो। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं और ये रहा उत्थान मंच का मंदिर। भाई अरे भाई ओवरटेक ना करो, अब देखते हैं कि कहाँ। तो यहाँ का मंदिर ये है जो गुलजी दुबे मंदिर में पहुँचे हैं, लेकिन इसी के पीछे जस्ट पीछे वो उत्थान मंच है, तो ये भी उत्थान ही मंच है, लेकिन भाई फील्ड में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रखा यार, मतलब करेंगे कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये पूरा फील्ड खाली है, पूरा फील्ड खाली है, मैं अभी यहाँ पे से देख रहा हूँ, मतलब कोई भी नहीं, मतलब ना टेंट ना साउंड ना कुछ ना कुछ, मतलब मीटअप में कैसा होगा शाम को भाई, अभी कब करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। सेकंड गेट ये है, क्या पता यहाँ से एंट्री होगी। तो भाई का पोस्टर ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है देखो, रावत वीएल कॉमेडी हल्द्वानी। भाई की इतनी छोटी उम्र है, मतलब इतने छोटे हैं अभी, बहुत अभी इनकी 23-24 साल की होंगे मेरे ख्याल से, उससे भी कम ही है शायद। तो इतनी छोटी मेरी उम्र में इनके भाई 5 मिलियन सब्सक्राइबर, मैंने आज से 2-3 महीने पहले जब देखा था तो इनके 1 लाख में थे, मतलब 3-4 लाख। इतनी जल्दी इनने प्रोग्रेस करी, इतनी जल्दी करी ना भाई, और मैं भी इतने टाइम से लगाऊँ, मेरा तो वहीं पर चैनल रुका हुआ है भाई। किस्मत का भी खेल होता है यार यूट्यूब पे की भाई क्या है, और लेकिन इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत हिम्मत से मार्केट में जो डांस करते हैं भाई पब्लिक के बीच में, इनका रिएक्शन भाई देखने को आदमी हिला देते हैं, मतलब पब्लिक पूरा इन्हीं को देखती भाई, कैसा बंदा है भाई, कि अब शाम को पता चलेगा। तो शाम को मैं 3 बजे आऊँगा, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन भाई साहब छूटे नहीं, मेरा पक्का है कि मैं इधर आने का है आज मेरे को। सो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं घर को, और इस समय जा रहे हैं भाई साहब अभी घर में, गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, और भाई मौसम भी अभी मस्त सा हो गया, देखो काला पड़ गया, बिल्कुल पूरा काला पड़ गया, तो अभी लगता है कि अभी पहले से सुबह अभी तक तक धूप ही हो रही, धूप कभी छाया यही चल रहा है। तो इसके साथ अभी भाई शाम की तैयारी करनी है, मीटर देखना है कि कैसा होने वाला है आज जबरदस्त भाई का। तो गाइस अभी भाई रावत वीएल कॉमेडी के भाई पंकज भाई पहुँच चुके हैं, और हमें जाने में लेट हो गई, तो वो भी लेके जा रही हूँ साथ में, और भाई फटाफट पहुँचते हैं। ओ स्कूटी में एकदम से चलती नहीं भाई मुझसे, तो बहुत हार्ड है मेरे लिए। तो गाइस अपने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है भाई, और पुलिस प्रशासन भी इधर बहुत है, तो चलते हैं भाई, लगता भी बहुत क्राउड है भाई इधर, भाई गजब का क्राउड है भाई। ओ भाई गजब की भीड़ हो गई जैसे, तो आज मेरे जैसे दिखते हैं, मैं इनके जैसा दिखता हूँ, मैं इनके जैसा दिखता हूँ, सॉरी। तो तब भी हाँ लगना है भैया, मतलब इतना तब भी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया आज तक, मतलब पापा को घर में नहीं बोलते, घर में आके बोलते थे कि तुम्हारा लड़का डांस करता है रोड में, ये करता है, बेइज्जती करते थे पापा को, तब भी बोला, पापा ने बोला कर तू कर, मैं सुन लूंगा उनकी, बट उसके बाद जब हुआ ना ये चीज तू कर वो उनका सीना छोड़ो, अब बोलो बोलते थे पापा, अब बोलो, उस टाइम जो बोलते थे अब तुम आ रहे हो हमें पता था, अब बोलते हमें पता था तुम्हारा लड़का कर लेगा, मतलब ऐसा है। तब भी मेरे पापा ने मेरे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक आशीर्वाद लेता हूँ बस यार,
कुछ भी करो और जो भी पापा जो भी पेरेंट्स आए हैं यहाँ अपने बच्चों कुछ अच्छा कर रहे हैं तो करने दो यार, क्योंकि वो क्या बताओ कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो करने दो, कभी किसी को रोकना मत। दुनिया बोलती रहेगी जो बोलना उसको, लेकिन जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब आपके साथ होंगे। ठीक है, लगा करते हैं, अब करते हैं। बाकी ताऊ जी भी हैं हमारे दूसरे, ताऊ जी बाबा दोनों पापा और ताऊ जी ने हमें सपोर्ट किया। ये वो उन्हीं को याद करता हूँ, जब मतलब मेरे पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं रात को ताऊ जी को कॉल करके बोलता था ताऊ जी रिचार्ज कर दो, तो मुझे सुबह वीडियो डालनी है, तो ताऊ जी ने तब मेरा रिचार्ज करके दिया, 200 कुछ रुपए का रिचार्ज होता था, तब मैंने साथ दिया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद ताऊ जी, थैंक यू सो मच। जो जो आप लोग और इनका सपोर्ट, आप ही लोगों जो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने वजह से कुछ नहीं हूँ, जो आपने किया जो आपने प्यार दिया उसकी वजह से यहाँ, नहीं तो कुछ नहीं था भाई मैं आज, कुछ भी नहीं। 30,000, 40,000 सब आप लोग, ठीक है, तो करते हैं फिर आप लोग ने इतना खरीद दिया आप लोगों ने, तो राजा 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 करते हैं। पंकज भाई के साथ ही हो, सामने खड़ा हूँ पंकज भाई और हम लोग सब साथ ही है भाई, और ये पब्लिक पूरी भाई फाइनली यार राउत वीएल कॉमेडी में मिल भी गए पंकज भाई से भाई, उसकी आर्मी पंकज भाई की आर्मी भी बहुत तगड़ी आर्मी है, उसकी इतनी बड़ी भीड़ है, उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है यार, उनकी गाड़ी को अभी भी घेरा हुआ है लोगों ने, बड़ी मुश्किल से बाहर आया है। फाइनली ख़त्म हो चुका है, गाड़ी से बाहर आ गए हो, पंकज भाई का मीटअप देख के आ चुके हैं, पहुंचा अभी घर में भाई, जिम जाने के लिए हो गया ऑलरेडी भाई, क्योंकि भाई उसको बहुत क्राउड था, बहुत भाई बोल नहीं सकते हैं कितना भाई, आपने देखा ही है कितना वो था क्राउड, और अब भाई एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है वरना वहाँ तो भाई मज़ा आ गया आज। तो भाई वर्कआउट कम्प्लीट करने के बाद मैं घूमने चले गया था, और अभी मैं भाई रात के 1 बजे भी घर पहुँचा, खाना ले लिया था भाई, इधर उधर घूमने में रह गया था, इसलिए भाई ये खोलने भी नहीं थी भाई खाने के, मैं एग वगैरह पर सब चीज़ हमने जो भी ऑर्डर कर दिया था वहीं से, तो वो ले गए हम लोग भाई, तब से इधर उधर घूम रहे हैं, और कहीं किसी काम के कारण फंस गए थे, सुबह फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी कि हम कुछ ब्लॉग शूट कर सकें, कुछ भी नहीं कर रहा।
वही अभी निकल रहे हैं। इसमें क्या बॉयल अंडे भी थे और सब्जी और रायता भी था इसमें, आई थिंक इसमें रायता होगा, चटनी भी है और वही रोटी। अरे सो गाइस, जब तक खाना लग रहा है और अब मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब भाई एक बज गया, एडिटिंग भी करनी, बहुत चीज़ें करनी होती, बहुत काम, बहुत टाइम लग जाएगा, लग रहा है 3-4 बज जाएंगे सोते सोते, 4 तो बजने बनते हैं। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को अब गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।